हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 7:30 या फिर 9:40 हो रहा होगा, क्योंकि कृषि क्लास चल रही है। और सुबह वाले मैंने सारे काम हो चुके हैं, नहा भी लिया है मैंने। सुबह के सब कुछ हो चुके हैं, किचन का भी हो गया है, थोड़ा बहुत बस किचन का बचा हुआ है। और नाश्ता बन गया है, नाश्ता में आज बना है मैगी और मैंगो शेक। इस समय में आम का सीजन है ना, तो मैंगो शेक बहुत अच्छा लग रहा है और सबको पसंद भी है, मुझे बच्चों को सबको, इसलिए फटाफट बन जाती है और सब लोग खुश भी हो जाते हैं। तो बस चलिए नाश्ता करते हैं। और यहाँ 3 दिन से बारिश लगी हुई है, बारिश पूरा, मतलब मौसम पूरा चारों तरफ बारिश बारिश का हुआ है। अभी तो फिलहाल बंद लग रही है, लेकिन फिर भी झीसी थोड़ी थोड़ी झीसी सी पड़ रही है। हाँ, वैसे मतलब बहुत तेज़ वाली बंद है, कभी कभी थोड़ा सा तेज़ हो जा रही है, कभी धीमी हो जा रही है, मतलब झीसी सी लगी हुई है, झीसी वाली पड़ रही है, तेज़ नहीं हो रहा है। बस अब नाश्ता करते हैं। और ये कृषि क्लास चल रही है, पीछे वो क्लास कर रहा है। और ये रहा नाश्ता हमारा आज का, मैगी और मैंगो शेक। और ये बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा है, ये लोग तो मज़े हो जाते हैं मैगी बन जाए तो। और मैंगो शेक तो वैसे ही बहुत पसंद है ना, क्यों? इधर देखो, मैंगो से अच्छा लगता है बच्ची में। नहाना है? नहीं नहाना है? नहीं नहाना है? नहीं नहीं, क्या बोलो, फिर से बोलो। नहाना नहीं नहाना है? नहाने कब? नहाने नहाने के लड़का बहुत परेशान करता है वो आप लोगों को देख के बोला नहाना, और तुम बोलता नहीं नहाना है, है ना? नहीं नहाना है ना, देखिए नहीं नहाना है, नहाना है। चलिए तो पहले फटाफट नाश्ता कर लेते हैं। जा रही हूँ कुछ घर में, जो कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, कतरन जो होते हैं घर में, जैसे मैं कपड़े थोड़े बहुत जो सिलती रहती हूँ उसे कतरन पड़े रहते हैं, तो उनसे कुछ अलग सा कुछ घर में यूज करने और चीज़ें बनाने, जो हर किसी घर में यूज होती हैं, जो हम बाहर से खरीदते हैं, घर में लाते हैं, थोड़े से पैसे जाते हैं उसमें, तो हम घर पर ही बनाएंगे उसको। और घर में जो ये देखिए, इतने सभी कतरन जो बचे हुए हैं मेरे, सभी छोटे 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 जो कपड़े बचे हैं इनसे हम यूज करके बनाएंगे। और घर में जो पुराने जो समीज वगैरह भी होते हैं, जो सूट होते हैं, पुराने सूट जिनका कलर खराब हो जाए, चाहे कुछ भी ऐसे जो कपड़े पड़े हुए हैं, आप उनसे बना सकते हैं। जो भी आपके पास कपड़े जो बेकार रखे हों, जिनका आप यूज नहीं करते हैं, उनसे आप बना सकते हैं। और उसके बाद ये मेरे पास रखा हुआ जो आता है बेड पर बिछाने के, जो बेड प्रोटेक्टर जो आता है उसका, ये पीलो कवर था, पीलो का उतना यूज नहीं होता है। और जो सीट है वो तो मैं बिछा लेती हूँ, पर अभी तो मैंने उठा कर रख दिया है क्योंकि अभी उतना उसका यूज नहीं होता है। पर जो ये उसके जो पीलो पे लगने के लिए आया था पीलो कवर, तो पीलो कवर मैंने कभी यूज ही नहीं किया, तो मैं उसी से बनाऊंगी। तो मैंने उसको इस तरह से 2 टुकड़ों में कर लिया है, मतलब जो सिलाई रहती है, जो पीलो कवर में सिलाई की हुई रहती है, तो उसको मैंने खोल के पूरा ऐसे, इसको मैंने एक बार मैंने खोला, मैंने पहले ही था, हो गया 3-4 साल हो गए। और ये मेरे पास काफ़ी पुराना है, ये जब मैं छोटा बेटा हुआ था तब मैंने लिया था बेड पे बिछाने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत सुसु करते हैं ना, तो उसके लिए मैंने लिया था। तो ये मैंने उसको दोनों जो पीलो कवर था उन दोनों को खोल के मैंने एक में जोड़ के उसको बनाया था ऐसे सिंगल बेड पर डालने के लिए। कुछ दिन मैंने यूज किया, उसके बाद वो ऐसे रखा रह गया, पड़ा रह गया था, फिर उसका वो यूज नहीं हुआ। तो आज मैं उसी से कुछ अच्छा बनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी पर हो नहीं पा रहा था, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बनाना और देखते हैं कैसा लगता है। तो पहले मैं सीट को बिछाकर जो कपड़े हैं उनको उसके नाप का देख के काट लूँगी, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े हैं तो मुझे सिल के उसके नाप का करना पड़ेगा, एक साथ उतने बड़े बड़े कपड़े नहीं है, ये सारे छोटे छोटे ही कपड़े हैं। और ये तो समीज के जो ऊपर, मतलब सूट का जो ऊपर का हिस्सा समीज होती है उसके कपड़ा है, तो मतलब पुराना था, रखा हुआ था, तो मैंने इसको यूज कर लिया है। तो पहले इसको काट के बराबर से कर लूँगी इसके, उसके बाद फिर सिलाई लगाऊँगी इस पर।
और जो सिलाई हम करते हैं, सिलाई में जो पीछे जो रहता है कपड़ा, उसको थोड़ा सा एक किनारे करके उसके ऊपर एक सिलाई जरूर आप लोग लगाया करें। उससे क्या होता है कि सिलाई जो होती है मजबूत हो जाती है। और अभी जो छोटे छोटे पीसेस थे जो कपड़े के, उसको मैंने जोड़कर जो बड़ा पीस मुझे चाहिए था तो मैंने उसको बना लिया है। और अभी अभी काम बाकी है, मैंने सिर्फ अभी जो छोटे छोटे कपड़े थे उनको जोड़ के अभी सिर्फ बड़ा पीस तैयार किया है। और उसके बाद आ गए मैं यहाँ पे, दोपहर खाना भी नहीं बना था मेरा, तो 1 बजने वाले हैं, तो फिर 2 बजे तक यीशु क्लास चलती है, उसके बाद फिर सिर्फ 1 घंटे से टाइम मिलता है, फिर कोचिंग क्लास रोज आती है। तो मुझे इससे पहले खाना तैयार करना था ताकि उसकी जो स्कूल क्लास ख़त्म हो तुरंत वो खाना खा लेगा। फिर तो बस आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। और आज मैं बना रही थी दाल ढोकली, तो बस ऐसे सिंपल सा बना रही थी। वो जो मैं फ्लोर तरह बनाती हूँ उसको नहीं बना, क्योंकि उसमें टाइम लगता मुझे बनाने में और इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने फटाफट सिर्फ ऐसे पीसेस काट दिए और यहाँ पे दाल रख दी। दाल में हल्दी नमक सिंपल सा डाला है और बस उसको जो मैंने अभी काट के बनाया था उसको बस डाल के, और फिर 2-3 सीटी ले लूँगी, वो तैयार हो जाएगी और अच्छी बन के तैयार हो, मतलब अच्छी बनी भी थी, मतलब खाने के बाद ही मैं आपको बता रही हूँ अच्छी बनी थी। बस उसके ऊपर से मैं ऊपर से इसको तड़का लगा लूँगी। खाना तैयार हो गया है पर अभी किसी ने खाया नहीं है, तो मैं फिर यहाँ पे आ गई हूँ उसे बनाने के लिए। और खाना कैसा, जब किशोर क्लास ख़त्म होगी तो सब साथ में ही खाएंगे। तो यहाँ जो पीसेस मैंने जोड़ के जो बड़ा सा पीस मैंने बनाया था, तो बस उसको दोनों तरफ जो सीट थी प्लास्टिक वाली, तो बस उसके दोनों तरफ रख के मैं देख लूँगी और उसके बाद फिर उसमें सिलाई लगाऊँगी। और सिलाई ऐसे, मतलब सिलाई आपके ऊपर है, आप चाहे सीधे लगाइए चाहे कोई डिजाइन डाल के लगाइए, वो आपके ऊपर। तो मैंने सिर्फ ऐसे टेढ़ी सी डिजाइन, मतलब जो बर्फ़ी की तरह होती है वैसे मैंने सिलाई लगा दी थी। बीच में सिलाई लग जाती है तो कपड़ा उड़ता नहीं है और अच्छा रहता है, बैठा हुआ रहता है कपड़ा। और ये एक पीस कपड़ा मेरे पास जो बीच में आपको ग्रीन चुंडी सा दिख रहा है, ये मेरे सूट का बचा हुआ था, तो उसे किनारे किनारे मैंने ये कपड़ा लगा दिया, जिससे वो एक सुंदर सा उसको लुक आ गया है। और उसके बाद दोनों कपड़ों को ऊपर नीचे बिछाने बाद मैं उसको पिन से चारों तरफ से उसको, मतलब जैसे पिन की सहायता से उसको पिनअप कर लूँगी, ताकि कपड़ा हमारा हिलेगा नहीं तो अच्छे से सिलाई लग जाएगी। इसकी मैंने 2 तरह से चलाई है, एक ही इस तरह से चलाई है और इधर से जो बर्फी तरह डिजाइन होती है आप किसी भी चला सकते हैं, सीधा चलाइए चाहे वैसे भी, वो आपके ऊपर है। पर देखिए देखने में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसे किनारे किनारे हमें पाइपिंग लगानी है पतले से कपड़े की, तो मैं इस कपड़े की पाइपिंग लगा रही हूँ, ये जो पतला सा है। आप इसमें चाहें तो जो रिबन आती है पतली वाली, आप रिबन भी लगा सकते हैं, चाहे आपके पास कोई भी कपड़ा हो, क्योंकि सिर्फ बचे हुए कपड़े से ही बना है, बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ है। आराम से आप मतलब कोई आया, चाहे आप खुद के लिए भी बिस्तर पे आराम से आप कहीं भी बिछा के आप खाना खा सकते हैं। और इसमें जो वो लगा हुआ है जो बेड प्रोटेक्टर का, जो पीलो कवर मैं बता रही थी आप लोगों को, जिसके कारण अगर पानी वगैरह कुछ भी थोड़ा बहुत लगता भी है तो बिस्तर पर नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छा ही बन गया। मैं पूरा बना लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि पाइपिंग कैसे लगाना है इसमें। तो पाइपिंग लगाना बिल्कुल आसान होता है, अगर आपने कोई लेस वगैरह लिया हुआ तब तो और भी दिक्कत नहीं, वो तो बिल्कुल आराम से लग जाती है। पर अगर इस तरह से कपड़ा है तो उसको दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ता है, बस फोल्ड करके कि आपको दोनों तरफ से पकड़ के बस सिलाई मार देनी है, लग जाती है और अच्छे से लगती है। बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि हाँ दोनों जो सिरे हैं उसको आपको एक बराबर से पकड़ना पड़ता है।
और दोनों तरफ से आप किसी तरीके से इसको यूज कर ले, चाहे इधर दोनों तरफ से आप आराम से कर सकते हैं। और बस मैंने थोड़ा सा पाइपिंग लगा दिया था जिसकी वजह से किनारे भी इसके छुप गए जो सिलाई दिख रही थी, और देखने में भी सुंदर लग रहा है। और बहुत ही बढ़िया ये एक बेड फुट मैट जो हम लेते हैं मार्केट से वो बनके तैयार हो गया। मैं आपको बिछा के भी अभी दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और इतना बड़ा भी है कि आराम से दो लोग आराम से खा सकते हैं। सब कुछ इस पर रखा रहेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, और अच्छा भी लग रहा है, देखने में भी सुंदर लग रहा है। आप खुद देख के बताइएगा, कमेंट करिएगा कि हाँ अच्छा लग रहा है या फिर नहीं, तो बताइएगा कैसा लगा। और मैं पूरी अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ कुछ और ऐसी चीज़ें शेयर करूँ जो घर में रखी हुई चीज़ों से बन जाए। मैं मार्केट से वैसा कुछ ना आएगा, एक आधो चीज़ें होती हैं कभी, और घर में वैसे बहुत सी चीज़ें पड़ी रहती हैं जो बेकार में रखी रहती हैं, जिसका हम कोई यूज नहीं करते हैं, पर उससे कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ऐसी बन जाती हैं जो घर में हमारे बहुत ज़रूरी की हो जाती हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही है। पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में आप लोग साथ, तब तक के लिए बाय बाय।